अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी बान। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे आपको पता है कि मुहर्रम चल रहे हैं, मुहर्रम का मंथ माशाल्लाह से चालू हो चुका है और ये महीने में बहुत लोग मुहर्रम के पूरे महीने के रोज़े रखते हैं, कोई 10 दिन का रोज़े रखते हैं। पूरे महीने के भी रोज़े रखते हैं ना माई? ऑब्वियसली हाँ। जब रमज़ान, रजब, शाबान और रमज़ान के भी बहुत लोग 3-3 महीने के रोज़े रखते हैं। तो मैंने भी अभी ये हम लोग हमेशा 9वीं, 10वीं, 11वीं के रोज़े रखते थे, पर अभी इस बार मैंने पहली बार मुहर्रम के 10 रोज़े रखी हूँ, मतलब रख रही हूँ जैसे स्टार्ट की हूँ। तो मैंने सोचा चलो 2 दिन हो गए हैं, आज का 3रा दिन है। मैंने 2 दिन से शूट नहीं की थी, अभी मैं शूट कर रही हूँ। तो मैं बोला चलो आपको भी बता दूँ, और माहिन मुझे भी शूट करते जा रही है। क्यों शूट कर रही है मुझे? अल्लाह मर्जी बोलती, मैं अच्छा लग रहा है आपको, शूट करके मेमोराइज़ करेगी वो, है ना। चलो आइए मैं बताती हूँ। मैंने सब रेडी हो गया है, मगरिब का टाइम शुरू होने में और बस 20 मिनट बाकी है। तो मैं पहले ये व्लॉग शूट कर देती हूँ, फिर मैं दुआ करने के लिए बैठ जाऊँगी। इसलिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने सब रेडी, मैं और माही ने मिलकर हमने सब रेडी कर दिए। और मुहर्रम के महीने में माशाल्लाह से, जैसे कि ये महीना अल्लाह का बहुत बहुत ही पसंदीदा महीना था, जिसमें कि जो भी चीज़ें हुई है वो मैं सब आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। बेटा अभी गरीब का टाइम हो चुका है, तो चलिए रोज़ा खोलते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट डे हो चुका था और मैं भाजी तोड़ते बैठी थी, तो मेरे शौहर ने बोले ला मैं भी तोड़ता हूँ, तो वो भी मेरे साथ तोड़ने लग गए थे हाउस स्वीट। फिर मैं चले गए उसके बाद में मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए। जैसे मेरा ट्रीटमेंट चालू है, कर रही हूँ उससे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क है अभी तक के लिए। बस अभी थोड़ा ही बचा, इंशाल्लाह दुआ कीजिए वो भी सही हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट डे हो चुका है और मेरा आज का 4वां रोज़ा है। तो अभी मैं बना रही हूँ समोसे के कीमे, जो कीमा समोसा होता है वो बना रही हूँ। और आज अफशा की भी छुट्टी है घर पर, तो उन्होंने आज है ना दाल गोश भी बनवाए थे। तो अभी तो मेरा रोज़ा है, ये लोग सब लोग दाल गोश खाए थे, मैं तो अभी रोज़ा खोलने के बाद खाऊंगी। फिलहाल तो अभी मैं ये सब रेडी कर रही हूँ रोज़े के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 2 समोसे ये बना चुकी हूँ मैं, अभी ये बना रही हूँ यहाँ पे। ये फट गए यार, इसमें ये भी आ रहा। चश्मा पहन के बनाना मम्मी? क्यों चश्मा पहन के बनाऊंगा, जबरदस्ती? क्यों, तुम्हारे को दिखता नहीं है? ऐसा कैसे नहीं दिखता? दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। क्यों, तुमको कुछ दिख रहा है? भरोसा नहीं तुम्हारा, कुछ भी मिक्स आ जाएगा उसके अंदर। इसके लिए चश्मा क्या तुम्हारा? नहीं चश्मा क्यों, तेरे को क्या दिख रहा है? कैसे मैं इसके अंदर जहर डाल के दिया? जहर नहीं डाल के, तुम बाल आते भर भर के बाल। क्रीम का पार्सल बना के दे उसमें से। मैं बोली भी तेरे को पार्सल बना दे उसे। किधर है? यहाँ भी रखी ना मैंने, ये रही है, ये इसमें डाल के बना दे। क्रीम निकाले? अंदर है। निकाले भी नहीं? तू निकाल ना, देखो क्रीम भी नहीं निकालने में। अंदर है और इसमें वो, हाँ फिलहाल एक ही चाहिए उनको, एक ही चाहिए। चलो सब ये बन जाता है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, रेडी करती हूँ। हाँ हाँ, नॉर्मल पैक कर दूँ। जो मेरे नए सब्सक्राइबर है, न्यू सब्सक्राइबर है, शायद उनको नहीं पता होगा कि हम लोग सास ग्रोइंग क्रीम जो है वो सेल करते हैं, बनाते हैं। तो उससे क्या होता है? हाँ सेलोटेपा, वो ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह से जाता है, तो हम लोग को बड़ा ही टेप ही लाना पड़ता है ना सब। तो इससे डार्क सर्कल रिड्यूस होते हैं, इससे पिगमेंटेशन जाते हैं, और ये जो डार्क स्पॉट जो होते हैं पिंपल्स के डार्क स्पॉट, उसके लिए होता है। फिर आपका फेस का नेचुरल ग्लो आता है, जो ग्लो होता है, जो हम लोग के कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर है उसमें से भी जो कस्टमर्स भी है वो भी यूज़ कर रहे हैं, तो उनको तो पता होगा, वो कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाते थे। और लिखे कि हमारा, मतलब हमको फीडबैक दीजिए कि ये कैसा क्रीम है, ताकि दूसरे भी देखें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक तो ऐसा कोई कंप्लेंट आई नहीं है और अच्छा ही चल रहा है, और सबका पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स वगैरह सब जो है वो कम हो रहा है। तो ऑर्डर कीजिए आप लोग भी, नंबर भी दिया है, तो आप लोग ऑर्डर करिए, देखिए, ट्राई कीजिए आप लोग।
और चलिए मैं अभी मिलती हूँ आपको ये पूरा रेडी करने के बाद। ये मेरे समोसे हो गए रेडी और मामी ने भी कुछ भेजा है हम लोग के रोज़े के लिए, और हमारे ये पड़ोसी के वहाँ से भी आए हैं समोसे। आज दो दो समोसे हो गए, आज हम लोगों ने भी समोसे बनाए और पड़ोसी के समोसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सही हो चुकी है और इस वक्त मतलब मैं उठी थी 4 बजे, ताजुत हो चुकी है, सब पढ़ाई हो चुकी है और मेरी सहेली भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। ये आप लोग को दिखाती हूँ कि अभी बज रहे हैं 5:30 और बाहर का मंजर भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब बज रहे हैं सुबह के 5:38 और बाहर इस वक्त बहुत अंधेरा है, फजर हो चुकी है, बारिश भी अभी चस रुकी है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, सब सो रहे हैं। तो बस अभी फजर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ मैं, मिलते हैं आपको फजर की नमाज़ के बाद। और लहसुन, अब जैसे मैं बोली ना पकाना वकाना तो हो गया, हम लोग कल बनाए थे दाल गोश्त भी रखा हुआ था और फिर दिन में भिंडी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, ये रोटी बना रहे, तो मैंने अदरक लहसुन कर देती हूँ ला के रखी थी। तो मेरे को सिर्फ एक चीज़ ये पूछना था, बहुत लोग बोलते हैं कि ये बड़े जो लहसुन होते हैं ना वो चाइना लहसुन होती है और जो बारीक लहसुन होते हैं ना तो वो लहसुन अच्छे होते, गौटी होते हैं, तो मेरे को भी खुद कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने बड़े लहसुन इसलिए लेकर आई थी कि ताकि ये छिलने में अच्छे पड़ते, फटाफट छिले जाते, इतना नॉलेज नहीं है कि बोलते हैं कि चाइना लहसुन होता है ये, पर मेरे को ऐसा लगा नहीं है, लाते हैं बहुत लोग लेते ना, क्या बोलती मैंने पता है नहीं कि लहसुन बड़े वाले चाइना होते, उनको इतना मालूम है छीलने अच्छे पड़ते हैं, जल्दी पीसने अच्छे पड़ते। अभी अदरक भी बाकी है, अदरक भी ला के रखी, अदरक पीस लूँगी तो ये वन बिक्का हो जाता है पीस के रख देने के। और अभी हम लोग बना रहे हैं भिंडी, भिंडी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि चाइना वाले लहसुन रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कि अच्छे मोटे लहसुन मुझे नहीं लाना चाहिए। नाश्ता कर लो। सो सब काम ख़त्म हो चुका है और अभी बस मैं नमाज़ के लिए जा रही थी, तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी 12:30 होने आ गए, बस अभी नमाज़ आधे घंटे से अजान हो जाएगी, नमाज़ पढ़ लेंगे। तो पर मैं आपको और मैं बोली वीडियो भी एंड करती हूँ, पर एंड करने से पहले मैं आपको इस महीने के बारे में बताना चाहती हूँ। आई थिंक सबको पता होगा बट फिर भी मैं अपने तरफ से जो भी है बताना चाहती हूँ, जो भी गलती हुई है तो मुझे देखो मैं जितना जानती हूँ तो मैं वो बता रही हूँ। तो जैसे कि ये महीना जुलहज का है, जैसे 9 रोज़े जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, और रमज़ान करीब के रोज़े के बाद में अगर कोई अफजल रोज़े है तो ये वही है 9 रोज़े। तो जैसे मैंने इसमें से ये निकाला था कि अभी तक तो ये मेरा 4th रोज़ा चल रहा है, और जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि ये महीने में आपको क्या क्या करना है। ताजुद कम से कम आप 4 रकात पढ़िए, ताजुद से आप शुरू करिए, फ़र्ज़ नमाज़ 5 टाइम की नमाज़ तो आपको पढ़ना है, पर ताजुद की नमाज़ आप ज़रूर पढ़िए और उसके साथ साथ आप सहेली रखिए और रोज़ा रखिए। और अगर जो नहीं रख सकता है, किसी की परेशानी, किसी का कुछ है, कोई बीमार है कुछ है, तो ठीक है कोई बात नहीं, पर 9वीं 10वीं रोज़ा ज़रूर रखिए। और फिर उसके बाद में फजर की नमाज़ के लिए कैसे भी करके उठिए, कुरान आप अगर ताजुद में पढ़े तो उसका सवाब डबल है, आप पूरे दिन में भी पढ़ सकते हैं पर कुरान जो है ताजुद में पढ़ने से इसका सवाब, और अल्लाह ताला बहुत ही खुश होते हैं। और अपने हाथों से सदका दीजिए, सदका तो जितना आप दे सकते हैं आप दीजिए सदका, सदका आप 5 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए, 100 रुपये दीजिए, जितना भी आप है आप उसको दे सकते हो। और कोशिश कीजिए कि नफिल नमाज अदा करें, जैसे भी इशराक हो, चास की नमाज हो, अवाबिन हो, और कुरान जो तर्जुमा है तस्हीफ कम से कम 10 मिनट तक तो पढ़िए, बाकी नमाज़ें वक्त पर अदा कीजिए। और सूरह यासीन फजर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन पढ़िए, जोहर की नमाज़ के बाद सूरह फतह पढ़िए, असर की नमाज़ के बाद सूरह नबा पढ़िए, मगरिब की नमाज़ के बाद सूरह वाकिया पढ़िए, इशा की नमाज़ के बाद सूरह मुल्क पढ़िए और सूरह मुज़म्मिल पढ़िए। और
पूरे 9 दिन के रोजे रखने की हिम्मत रखी है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हेल्थ इश्यू है तो कोई बात नहीं। रोज़ाना रात में सूरह मुल्क ज़रूर पढ़िए और सूरह बकरा की आखिरी आयत 2 आयत जो है अपना पावर बना के लीजिए। हर नमाज के बाद आखिरी 2 आयत ज़रूर पढ़िए, पर मैं ज़्यादा करके मगरिब की नमाज के बाद में सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ती हूँ। और जुम्मा के दिन, जैसा भी कल जुम्मा है, जुम्मा के दिन तो सूरह कैफ पढ़ते हैं, सूरह जुम्मा पढ़ते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, सूरह दकान पढ़ते हैं, और ये सब पढ़ के आप, अगर आपको जुम्मा के दिन नहीं वक्त मिल रहा है, घर में फैमिली है, बहुत फैमिली है, आपको नहीं वक्त मिला, तो आप ये जुमेरात की मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं। और सोने से पहले जैसा वजू करिए, माफ़ी अल्लाह से है, ये सब तो आपको पता ही है, बट ये महीना अल्लाह का बहुत ही पसंदीदा महीना है। अल्लाह ताला ने ये महीने में हर, मतलब अपने जो नबी थे, हर महीने के हिसाब से महीना बहुत ही माशाल्लाह से अल्लाह का पसंदीदा महीना है। ये महीने में अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम की तौबा को कबूल किया था, मूसा अलैहि सलाम को समुंदर पार करने के बाद में फिरौन को वहीं पे डुबा दिया था, मूसा अलैहि सलाम को पार करा दिया था, यूनुस अलैहि सलाम को मछली के पेट से अल्लाह ताला ने बचाया था, और नूह अलैहि सलाम की कश्ती पहाड़ में जाके रुकी थी, मतलब उनको कश्ती से डूबने के लिए बचाया था। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब अल्लाह ताला को ये महीना पसंद है, अल्लाह ताला ने ये महीने में इतनी सब नबियों की मदद किया, इतनी सब नबियों की दुआओं को कबूल किया, तो उन नबियों के तुफिल सदक़े में, अल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफिल सदक़े में हमारी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन। तो हम, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी सब दुआ करिए, इनके सदक़े में ये दुआ कीजिए कि इनके सदक़े तुफिल सदक़े में हमारी भी दुआ को कबूल करें, क्योंकि अल्लाह ताला ये महीने में बहुत ही खुश हुए थे। वैसे तो अल्लाह का हर महीना है, रमज़ान भी है, रजब भी है, हर महीना है, पर ये महीना अल्लाह का खास है। तो आप ये दुआ, ये महीने में ख़ास दुआ कीजिए, ताजुद में रो रो के अल्लाह से दुआ कीजिए, आपकी जो भी है दुआ कीजिए। और एक वजीफ़ा है जो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, ये महीने में ही वजीफ़ा आप कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं ये वजीफ़ा आपको बोलूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये 3 दिन का ही वजीफ़ा है, इंशाल्लाह आपके हर काम हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ठीक है, बस दुआ कीजिए सबके लिए। और ज़्यादा मैं 10 दिन में ज़्यादा मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही हूँ, और कहीं बाहर भी नहीं जा रहे हम लोग। मुहर्रम का महीना है, ज़्यादा इबादत का महीना है, तो हम वही चीज़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करने की कोशिश करेंगे। और मेरे जैसे रोज़े चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग के लिए भी मैं दुआ करूँगी। और ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नए ब्लॉग में इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी। और ये महीने में किसी पे रोक टोक मत कीजिए, किसी पे ऐप मत निकाले, किसी का ऐप मत खोलिए, किसी को उंगली ना कीजिए, किसी को टोको मत, किसी पे हंसो मत, किसी को बोलो मत कुछ चीज़ कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, आप ये चीज़ गलत कर रहे हो। वो बैठा है अल्लाह ताला करने के लिए, क्या है कला अल्लाह, बस ये दुआ करो कि अल्लाह उसके दिल में हिदायत डाल दे, अल्लाह उसके दिल में ये चीज़ को सही करा दे, अल्लाह बेहतर करने वाला रहेगा। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिए।